सिहोरा से जबलपुर की तरफ आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस जन्नी एक्सप्रेस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं गर्भवती महिला सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान गर्भवती महिला ने भी दम तोड़ दिया। दरअसल बुधवार रात करीब 2 बजे हुए इस भीषण हादसे में एम्बुलेंस के पंखचे उड़ गए तथा उसमें सवार एक महिला सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसमें एक महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आधारताल और पनागर थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। गंभीर रूप से घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रवाना किया गया। पुलिस के मुताबिक कटनी जबलपुर हाईवे पर ट्रक MP04 HE 6135 को खड़ा करने के बाद चालक कहीं चला गया था, जहां इंदवार गांव जिला उमरिया निवासी कुछ लोग एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस MP34 D2786 में लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार कराने ले जा रहे थे। तभी पनागर में रुद्राक्ष फैमिली रेस्टोरेंट के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रक से एम्बुलेंस की सीधी भिड़ंत हो गई। ट्रक के पिछले हिस्से में घुसी एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इतनी तेज आवाज आई कि हाईवे पर काफी दूर तक लोग सहम गए। रेस्टोरेंट में भोजन करने बैठे ग्राहक व कर्मचारियों में भगदड़ मच गई और वे दहशत में आ गए। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस में सामने की तरफ बैठे तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक से भिड़ने के बाद एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए, जिसकी वजह से सब्बल से एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा को तोड़कर मृतकों के शव निकाले जा सके। हादसे की सूचना के बाद तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए हैं। बहरहाल पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर PM के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एक कटनी से आ रहा था, मेरा साला था उस गाड़ी में जो जबलपुर आ रहा था। क्या नाम उनका? धन्नू यादव। कब आपको जानकारी लगी? पुलिस वालों ने कॉल किया था। क्या बताया? कि एक्सीडेंट हो गया, इधर आ जा। ना कहाँ आ रहे थे धन्नू यादव? ये जबलपुर आ रहे थे कोई मरीज रीज लेके। ये उसमें थे 108। हाँ। आपका नाम? संजय यादव। ये परिवार के इकलौते थे जी? क्या करते, क्या थे इसके अलावा? कुछ नहीं सर, मजदूर ही कर। और ये मतलब ड्राइवर के साथ आ गए जी? इनके पापा का नाम? कमलेश यादव। अंतर्गत पनागर बाईपास पे देर रात जन्नी एक्सप्रेस ट्रक में घुस टकरा जाने से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें चार लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, दो लोग इलाजरत है। नाम बताते स्वदेश गुप्ता, प्रधान आरक्षक 145 थाना पनागर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।